नमस्कार मित्रों, हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ हमारे जेवी एनसीआरबी मेड सिंपल केस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन के माध्यम से मैं आप लोगों को अपने बीएफएम का यूनिट नंबर 22 डिस्कस करूँगा, जो कि बेस्ड है कंपोनेंट ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इन बैंक बैलेंस शीट एंड देयर मैनेजमेंट। चलिए तो दोस्तों, हम लोग डिस्कस करेंगे कि बैंक का जो बैलेंस शीट है उसमें आपको पता है दो पार्ट होता है, एक होता है एसेट वाला पार्ट और एक होता है लायबिलिटी वाला पार्ट। उसके क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं और साथ ही साथ उसको कैसे मैनेज किया जाए, तो इसमें ALM जो हमारा एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट होता है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट ही हमें करना है, लेकिन एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट को समझने से पहले ये समझना आवश्यक है कि एसेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होता है और उनके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं, तो आज हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो लेसन को। दोस्तों, यदि आपने इसे पहले के यूनिट्स के थ्योरी वीडियो नहीं देखे हैं और साथ ही साथ MCQ वीडियो नहीं देखे हैं, तो उसका लिंक आपको मैं टॉप राइट कॉर्नर में प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसे ज़रूर जाकर देखें और साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तो आपको एक सिलसिलेवार तरीके से, एक सिक्वेंशियल वे में आप हर एक टॉपिक को कवर कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट को समझते हैं। देखिए किसी भी फर्म का बैलेंस शीट देखे होंगे, उसी प्रकार से एक पार्टिकुलर बैंक का भी जो बैलेंस शीट होता है उसके अंदर भी दो पार्ट होते हैं। दोस्तों, देखिए, जो बैंक का बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, BR एक्ट यानी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंगली हमें ड्रॉ करना पड़ता है। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होते हैं सोर्स ऑफ फंड, ठीक है, और दूसरा है दोस्तों यूजेज ऑफ फंड या एप्लीकेशन ऑफ फंड, जब जो भी बोलिए। तो दोस्तों देखिए, जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी की यदि हम बात करें तो वो हमारा हो जाता है सोर्स ऑफ फंड, ठीक है, और यदि हम एसेट की बात करें तो ये हो जाता है हमारा यूजेज ऑफ फंड। क्योंकि देखिए, लायबिलिटी जो होता है दोस्तों वो बैंक का फंड का सोर्स होता है, और एसेट जो होता है दोस्तों उससे हम लोग फंड को यूज करते हैं ताकि बैंक के लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकें, ठीक है, ताकि बैंक के लिए क्या जनरेट कर सके, रेवेन्यू, ठीक है। तो ये है, एक एसेट साइड है और एक हमारा लायबिलिटी साइड है। तो आइए दोस्तों जरा देखते हैं कि सोर्स ऑफ फंड में क्या क्या इंक्लूडेड है। तो पहला है हमारा कैपिटल, ठीक है, सोर्स ऑफ फंड साइड में देखेंगे आप दोस्तों तो कैपिटल आएगा, रिजर्व्स आएगा, डिपॉजिट्स आएगा, बोरोइंग आएगा, अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजंस आएगा। यदि हम बात करें यूजेस ऑफ फंड में तो कैश इन हैंड एंड बैलेंस विद RBI, बैलेंस विद बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट एडवांस, फिक्स्ड एसेट, अदर एसेट, टोटल। तो ये हमारा सोर्स ऑफ फंड में ये पांच चीज़ है, और एप्लीकेशन ऑफ फंड में भी आपका दोस्तों ये पांच या छह चीज़ है, ठीक है। तो ये हमारा कुल मिलाकर हो गया कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस शीट। अब दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं कि बैंक का जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ आता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो उसके इनकम साइड में देखिए क्या है और उसके एक्सपेंडिचर साइड में देखिए क्या है। तो इनकम साइड में हमारा इंटरेस्ट इनकम है, इनकम साइड में हमारा अदर इनकम है, इनकम साइड में हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनकम है। ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनकम क्या होता है दोस्तों, तो देखिए, जो भी इनकम आपका क्रॉस सेलिंग से जनरेट होता है, जैसा कि आप मान लीजिए रेफरल बिजनेस है, म्यूचुअल फंड का डीमैट ट्रेडिंग है, तो उसको हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनकम कहते हैं, ठीक है। और एक्सपेंडिचर साइड में आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये सभी के कंपोनेंट्स को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। आपको मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हाँ कौन सा चीज़ किसके अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है। तो इनकम में आपने देखा इंटरेस्ट इनकम, मतलब जो इनकम बैंक को, देखिए सिंपल सी बात है, बैंक जो है डिपॉजिटर को, डिपॉजिटर से पैसा लेती है तो बदले में उसे क्या देती है, इंटरेस्ट देती है। तो उससे यानी तो जो लोन एंड एडवांस होता है दोस्तों बैंक के लिए, तो उसको इंटरेस्ट मिलता है बैंक को, वो उसका इनकम है ना। तो इंटरेस्ट एक तरह का इनकम ही है। फिर अदर इनकम में आपका कमर्शियल एक्सचेंज, ब्रोकरेज, ये सभी अदर इनकम में याद आ जाते हैं। चलिए, तो आपने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इनकम समझ लिया, इंटरेस्ट इनकम समझ लिया और अदर इनकम समझ लिया। अब हम लोग लायबिलिटी को डिटेल में डिस्कशन करते हैं। तो लायबिलिटी में सबसे पहला कंपोनेंट है दोस्तों कैपिटल। कैपिटल का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको जरा देखिए। तो कैपिटल जो है क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑनर का स्टेक इन द बैंक, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर बैंक में कोई ऑनर है, उसका उसने क्या स्टेक लगाया हुआ है, उसे हम लोग कैपिटल कहते हैं। हिंदी में उसे आप लोग पूंजी कहते हैं। तो बेसिकली जब भी मान लीजिए कि वो पर्टिकुलर इन्वेस्टर, वो पर्टिकुलर कंपनी, वो पर्टिकुलर फर्म, ठीक है, यदि वो बैंकरप्सी वाले सिचुएशन में आ जाएगा, तो एक कैपिटल ही एक सहारा है जो कि सबसे पहले उसके उस पर्टिकुलर फर्म के जितने भी इन्वेस्टर हैं उसको पैसा देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर कैपिटल से। इसीलिए कैपिटल को एक कुशन की तरह काम किया जाता है, किसके लिए, डिपॉजिटर के लिए या क्रेडिटर के लिए, ठीक है, तो लॉस के केस में फॉल बैक करने के लिए। और कैपिटल को आप लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड भी मानते हैं, इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड। और दोस्तों, जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है डोमेस्टिक या फॉरेन बैंक के लिए, ये RBI प्रिस्क्राइब करती है। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना है आपको कैपिटल के बारे में। दूसरा है दोस्तों हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस भी दोस्तों हमारा कैपिटल का ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, लायबिलिटी का ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है।
इसके अंदर दोस्तों हमारा स्टैट्यूटरी रिजर्व्स आएगा, कैपिटल रिजर्व आएगा, शेयर प्रीमियम आएगा, रिवेन्यू एंड अदर रिजर्व्स आएगा, और बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग रिजर्व्स एंड सरप्लस के बारे में, स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स, शेयर प्रीमियम, रिवेन्यू एंड अदर रिजर्व्स एंड बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा है दोस्तों हमारा डिपॉजिट्स। तो आपसे यदि पूछा जाए कि किसी बैंक के लिए मेन सोर्स ऑफ फंड क्या है, तो आप बोलेंगे उसका डिपॉजिट ही उसका मेन सोर्स ऑफ फंड है। डिपॉजिट को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं इस तरह, पहला डिपॉजिट पेबल ऑन डिमांड, और जो जो एक होता है डिमांड डिपॉजिट, आप जानते हैं ना, एक होता है हमारा डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। तो डिमांड डिपॉजिट में क्या आता है, करंट डिपॉजिट आएगा, ओवर ड्यू डिपॉजिट आएगा, या कॉल डिपॉजिट आता है। दूसरा कैटेगरी है दोस्तों हमारा सेविंग बैंक डिपॉजिट, ठीक है। पहला कैटेगरी हमने डिमांड डिपॉजिट देखा, मतलब जिसको डिमांड करने पर आपको वापस करना पड़ेगा, है ना, तो वो हमारा डिमांड डिपॉजिट है। दूसरा है हमारा सेविंग बैंक डिपॉजिट, और तीसरा है दोस्तों हमारा टर्म डिपॉजिट। दोस्तों टर्म डिपॉजिट में क्या है कि टाइमिंग फिक्स रहता है ना, कोई स्पेसिफिक पीरियड रहता है जिसके बाद आपको पेमेंट करना ही, रिपेमेंट करना ही है। जैसे कि एग्जांपल में आप ले सकते हैं फिक्स डिपॉजिट, शॉर्ट डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट। तो तीन तरह का डिपॉजिट है, डिमांड डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट और एक सेविंग बैंक डिपॉजिट। चलिए तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों हम लोग बोरोइंग की बात करते हैं। लायबिलिटी में एक और कंपोनेंट आता है हमारा बोरोइंग। बोरोइंग में क्या है दोस्तों, आपने आरबीआई से रिफाइनेंस लिया, वो एक बोरोइंग हो गया। आपने आरबीआई से कुछ बोरोइंग लिया, वो बोरोइंग के अंदर आ जाएगा। आपने दूसरे कमर्शियल बैंक से कुछ बोरोइंग लिया है, वो आपका इसके अंदर आएगा। आपने नाबार्ड से, एक्जिम बैंक से, आईडीबीआई से, ये सभी इंस्टीट्यूशन से बोरोइंग लिया है, तो ये भी बोरोइंग का पार्ट होता है। तो ये सब हमारे लायबिलिटीज़ के पोर्शन है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, पहला कैपिटल देखा जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड है। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस देखा, फिर हमने देखा दोस्तों डिपॉजिट्स, और अभी हमने देखा बोरोइंग। इसके अलावा दोस्तों कुछ अदर लायबिलिटीज और प्रोविजन भी हैं। इसके अंदर क्या क्या आते हैं दोस्तों, बिल पेबल। तो बिल पेबल में आपका क्या आएगा दोस्तों, ड्राफ्ट। आपको पता है दोस्तों ड्राफ्ट जो भी होता है, बैंक यदि मान लीजिए आपको ड्राफ्ट बना के दे रही है, या पे स्लिप बना के दे रही है, या बैंकर्स चेक बना के दे रही है, तो दोस्तों एक कस्टमर को यदि ड्राफ्ट मिलता है तो वापस वो बैंक में जाकर उसको क्या करता है, उसे रिडीम करता है, ठीक है। तो एक तरह से वो ड्राफ्ट उस बैंक के लिए लायबिलिटी ही तो है, क्योंकि जब भी वो उसे प्रस्तुत करेगा तो बैंक को उसके उसके बदले में पैसा देना ही पड़ेगा, है ना। तो इसी तरह इसीलिए आप कहते हैं कि जो ड्राफ्ट है वो एक तरह के लिए बैंक के लिए लायबिलिटी है, और इसे हम लोग इंक्लूड करते हैं बिल्स पेबल में, यानी वैसा बिल जो कि बैंक को पे करना है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट टाइप है हमारा, वो है इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट में दो पार्ट है, एक है क्रेडिट बैलेंस और एक है डेबिट बैलेंस। दोस्तों जब डेबिट बैलेंस की बात आएगी तो वो एसेट आएगा, लेकिन जब क्रेडिट बैलेंस की बात आएगी तो वो लायबिलिटी में आएगा। ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। जब भी याद रखिएगा इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट होता है तो यदि क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो लायबिलिटी पार्ट है, और डेबिट बैलेंस है तो वो हमारा एसेट वाला पार्ट है। दोस्तों इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट है वो इंटरेस्ट एक्रूड। दोस्तों इंटरेस्ट एक्रूड का मतलब क्या होता है कि देखिए आपका डिपॉजिट, आप कस्टमर ने आपके बैंक में आकर पैसा डिपॉजिट किया, ठीक है, या आपने दूसरे बैंक से या आरबीआई से बोरोइंग लिया, तो दोस्तों दोनों केस में आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बैंक की पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ। आप मान लीजिए बैंक के मैनेजर हैं, ठीक है, आपके बैंक में आकर कस्टमर ने पैसा जमा किया, या आपने आरबीआई से या दूसरे बैंक से उधार लिया, तो दोस्तों आपको दोनों केस में इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो आप इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं, उसको जमा करते जा रहे हैं, लेकिन ड्यू नहीं है, ठीक है। तो ये जो इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है वो भी आपके लिए एक तरह से लायबिलिटी ही तो है, क्योंकि आपको वो वापस देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों ऑदर्स में देखते हैं। तो ऑदर्स में आपका क्या आएगा, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। देखिए जो भी इनकम टैक्स है उसके लिए आपको प्रोविजनिंग करना पड़ेगा। जो टीडीएस है दोस्तों, जो टैक्स डिडक्शन एट सोर्स है, जो टैक्स कटता है, वो भी तो आपके लिए लायबिलिटी ही है। फिर जो इंटरेस्ट टैक्स प्रोविजन है वो भी आपका लायबिलिटी ही है। तो दोस्तों कुल मिलाकर आपने क्या इंपॉर्टेंट लायबिलिटी वाले पोर्शन को देखा, कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, डिपॉजिट्स है, बोरोइंग्स है, अदर लायबिलिटी एंड प्रोविजन है। दोस्तों आप मेरे एमसीक्यू वाले वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि जो भी मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ दोस्तों उससे रिलेटेड मैं हर एक पॉइंट से मैं एमसीक्यू करवाता हूँ, तो उसमें आपका कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम लोग एसेट की तरफ आते हैं। आइए जरा देखते हैं कि एसेट के अंदर क्या 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 कंपोनेंट्स आते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट है वो है कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, ठीक है। तो देखिए आपसे यदि पूछा जाए कि सबसे मोस्ट लिक्विड अकाउंट जो कि बैंक हेल्ड करती है वो क्या है, तो आप बोलेंगे कैश एसेट। याद रखिएगा किसी भी बैंक का जो कैश एसेट होता है ना दोस्तों, वो उस पार्टिकुलर बैंक का सबसे मोस्ट लिक्विड एसेट होता है, ठीक है। तो इसी को ध्यान रखना है आपको दोस्तों। अब कैश एसेट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं वो जरा डिस्कस करते हैं। तो पहला कंपोनेंट है हमारा कैश इन हैंड, ठीक है। कैश इन हैंड क्या होता है इसे समझते हैं दोस्तों। तो कैश इन हैंड का मतलब वो पैसा जो कि आपके हाथ में है, जिसमें आपका फॉरेन करेंसी नोट्स भी आएगा और
ओवरसीज, आप देखिए एक बैंक है तो उसका अपना ओवरसीज ब्रांचेज होगा, तो उस ओवरसीज ब्रांचेज में जो भी कैश बैलेंस है वो भी इंक्लूडेड है। तो दोस्तों आपसे यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कैश इन हैंड के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आता है कैश, तो आप बोलेंगे एक तो फॉरेन करेंसी नोट आएगा और दूसरा जो भी हमारा ओवरसीज ब्रांच है उसमें जो भी कैश रखा गया है वो आएगा। बिल्कुल सही बात है। दूसरा आप बोलेंगे कि बताइए आरबीआई के साथ भी आपने तो बैलेंस रखा है, सीआरआर यही तो होता है। सीआरआर क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो। तो बैंक क्या करती है, कुछ पैसा अपने आरबीआई के पास रखती है ताकि वो अपने कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट को मीट कर सके, ठीक है, और इमरजेंसी फंडिंग को मीट कर सके। तो ये भी आपका एक एसेट ही तो है, चाहे कैश इन हैंड हो चाहे आपका बैलेंस विद आरबीआई हो। चलिए इसके बाद जो थर्ड टाइप है दोस्तों वो है बैलेंस विद बैंक एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। अब ये कॉल नोटिस क्या होता है, शॉर्ट नोटिस क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। जो भी बैंक बैलेंस, ठीक है, जो भी अमाउंट बैंक हेल्ड किया है अपने करंट अकाउंट में और अपने टर्म डिपॉजिट अकाउंट में दूसरे बैंकों के साथ, ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे हम कस्टमर वाला करंट अकाउंट या टर्म डिपॉजिट अकाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, दो बैंकों के आपस के बीच में जो करंट अकाउंट है या जो टर्म डिपॉजिट अकाउंट है वो पार्टिकुलर बैंक के लिए एसेट ही तो है। तो अब दोस्तों एक होता है कॉल मनी मार्केट और एक होता है नोटिस मनी मार्केट। यदि हम कॉल मनी मार्केट की बात करें तो इसमें फंड का जो ट्रांजेक्शन होता है वो ओवरनाइट बेसिस पे होता है। जब हम बोल रहे हैं ओवरनाइट बेसिस पे होता है, इसका मतलब ये हुआ कि आज यदि हमने पैसा लिया है तो कल मुझे पैसा देना पड़ेगा, नेक्स्ट वर्किंग डे जब भी होगा तो हमें पैसा देना पड़ेगा, इसे ही कहते हैं ओवरनाइट बेसिस। यदि हम बात करें नोटिस मनी मार्केट की तो दोस्तों यहाँ पे फंड का ट्रांजेक्शन होता है एक पीरियड में, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों फॉर्टनाइट। फॉर्टनाइट समझते हैं ना आप, फॉर्टनाइट का मतलब होता है 14 दिन, 14 डेज, है ना। तो आपको 14 डेज के अंदर पैसा को लौटाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो अभी तक हम लोगों ने दो चीज़ देखा, पहला चीज़ देखा कैश इन हैंड, ठीक है, कैश में कैश एक इम्पॉर्टेंट एसेट है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट एसेट है वो है हमारा एडवांस। तो एडवांस सबसे इम्पॉर्टेंट एसेट पूछा जाए तो आप बोलेंगे एडवांस, उसी तरह सबसे इम्पॉर्टेंट लाइबिलिटी पूछा जाए तो आप बोलेंगे डिपॉजिट। तो दोस्तों याद रखिएगा एसेट के साइड में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो एडवांस है या लोन जिसको आप कहते हैं। तो लोन किस किस तरह के होते हैं, एक तो आपके सीसी लोन आएंगे, एक आपके ओवरड्राफ्ट लोन आएंगे, एक आपके जो डिमांड लोन आते हैं वो आएंगे। तो इसके अंदर वैसे लोन आते हैं दोस्तों जिसको आप डिमांड पे रिपेमेंट कर देंगे, ठीक है। देखिए उसका ड्यू डेट होगा लेकिन जैसे जैसे डिमांड होगा आपको उसका रिपेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट टाइप ऑफ लोन है वो है टर्म लोन। तो टर्म लोन में क्या होता है कि इसको आपको डिमांड पे पेमेंट नहीं करना है, इसका अपना ड्यू डेट है ना, तो इसका डिमांड पे पेमेंट नहीं होगा लेकिन इसका जब ड्यू डेट आ जाएगा तब पेमेंट होगा। और इसमें कंसेप्ट है ईएमआई का, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट का। तो दोस्तों जितने भी टर्म लोन्स होते हैं मैक्सिमम वो रिपे किए जाते हैं ईएमआई के फॉर्म में। तीसरा जो है वो हमारा बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड। दोस्तों हम लोगों ने अपने इंटरनेशनल बैंकिंग यानी मॉड्यूल ए में इसे डिस्कस किया है। दोस्तों बैंक क्या करती है, दोस्तों बिल को दूसरे, देखिए समझिए बात को, बैंक क्या करती है कस्टमर से बिल को परचेज करती है और उसे डिस्काउंट पे उससे लेती है और फिर उसको रिडीम करती है। तो ये जो बिल परचेज करना और डिस्काउंट करना ये भी एक तरीका है जो बैंक के लिए एसेट की तरह काम करता है, ठीक है। तो अपने क्लाइंट से बिल डिस्काउंट करवाती है परचेज वाले बिल को, ठीक है। तो एलसी के केस में खासकर ये होता है, ये बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड। इसके बाद दोस्तों सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड एडवांस होता है, ठीक है। तो सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड एडवांस किस पर डिपेंड करेगा कि सिक्योरिटी क्या है आपके पास। तो सिक्योरिटी के बेसिस पे जो एडवांस है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पहला है सिक्योर्ड बाय टेंजिबल एसेट और दूसरा है कवर्ड बाय बैंक गवर्नमेंट गारंटी और तीसरा है दोस्तों अनसिक्योर्ड एडवांस। मान लीजिए कुछ ऐसा एडवांस है या एडवांस का टाइप है जो कि टेंजिबल एसेट से सिक्योर किया गया है तो उसे हम लोग सिक्योर्ड एसेट कहते हैं। जब हम लोग टेंजिबल एसेट की बात कर रहे हैं दोस्तों मतलब वैसा एसेट जिसको हम लोग टच कर सकें, दैट इज कॉल्ड टेंजिबल एसेट। कुछ एसेट ऐसा है, कुछ एडवांस ऐसा है जो कि अनसिक्योर्ड है। तो अनसिक्योर्ड मतलब ऐसा एडवांस जिसमें कोई सिक्योरिटी ही नहीं है या ना तो वो इस कैटेगरी में आता है ना इस कैटेगरी में, तो उसे हम लोग अनसिक्योर्ड एडवांस कहते हैं। दोस्तों कुछ एडवांस ऐसा होता है जिसको जो कि गवर्नमेंट बैक होता है और गवर्नमेंट गारंटी होता है, जैसा कि मान लीजिए कि जैसे DICGC हुआ, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी गारंटी स्कीम हुआ, ECGC हुआ, ठीक है। तो ये सब जो ये इंस्टीट्यूशन बोलेंगे कि मैं गारंटी लेता हूँ इस पार्टिकुलर एडवांस की, तो ये भी एक तरह का एडवांस है और यहाँ पे क्या है इनको कवरेज मिला है इन सभी इंस्टीट्यूशन का, ठीक है। तो ये भी एक तरह का हमारा एडवांस हो सकता है। तो एक तो हमारा टेंजिबल एसेट में का सिक्योरिटी मिलेगा, जैसे मान लीजिए कि हाउस को मॉर्गेज कर लिया आपने, ज़मीन को मॉर्गेज कर लिया, गोल्ड को मॉर्गेज कर लिया, गोल्ड को आप पेज लगा लेते हैं, है ना, तो वो हमारा टेंजिबल एसेट हो गया। एक हमारा अनसिक्योर्ड होगा जहाँ पे कोई सिक्योरिटी ही नहीं है, ठीक है, तो वो हो गया। इसके अलावा दोस्तों हमारा फिक्स एसेट आएगा, तो जो भी बैंक का फिक्स एसेट है चाहे वो प्रॉपर्टीज़ हो, प्रेमाइसेज हो,
फर्नीचर एंड फिक्सचर हो, हार्डवेयर हो, मोटर व्हीकल हो, तो ये हमारा फिक्स एसेट के अंदर आता है। इसके अलावा दोस्तों हमारा अदर एसेट आएगा, तो जो भी आइटम अभी तक नहीं देखा हमने वो अदर एसेट में आएगा। जैसे मैंने आपको बताया ना इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट, अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों इसमें जो भी डेबिट बैलेंस होगा वो बैंक के लिए एसेट है और जो भी क्रेडिट बैलेंस होगा वो बैंक के लिए क्या है, लायबिलिटी है। ठीक है, ये दो ऑफिस के बीच के एडजस्टमेंट की बात हम कर रहे हैं। चलिए तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डेबिट बैलेंस जो होता है इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट का वो क्या है, तो आप बोलेंगे एसेट है। फिर दोस्तों जो इंटरेस्ट एक्रूड है, इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए आपने जो इन्वेस्टमेंट किया तो ऑब्वियस बात है आपको इंटरेस्ट मिलेगी ना, तो इंटरेस्ट अभी तक मिली नहीं लेकिन कोई ड्यू नहीं है इंटरेस्ट का, तो वो भी आपके लिए एक तरह का एसेट ही काम करता है इंटरेस्ट एक्रूड। ठीक है, फिर दोस्तों आपने जो टैक्स एडवांस में पे किया है या TDS जो है, ठीक है, तो आपका जो सिक्योरिटीज़ है उस पर जो TDS होगा और आपने जो एडवांस टैक्स पे किया है तो ये भी आपका एक पार्ट है। फिर स्टेशनरी एंड स्टाम्प, ठीक है, वो भी इसके अंदर आता है दोस्तों। इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है नॉन बैंकिंग एसेट एक्वायर इन सेटिस्फेक्शन ऑफ क्लेम। तो दोस्तों कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ होते हैं या टेंजिबल एसेट होते हैं जो कि बैंक एक्वायर करती है क्लेम को सेटिस्फाई करने के लिए, दीज आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस। अदर आइटम्स के अंदर आ जाएगा दोस्तों आपका क्लियरिंग आइटम, अनएडजस्टेड डेबिट बैलेंसेज, तो ये सभी के सभी हमारे क्या है दोस्तों, एसेट के पार्ट हैं। अब दोस्तों ये कंटिजेंट लाइबिलिटीज़ होते हैं, तो जैसे आपने LC इशू किया, गारंटी इशू किया, एक्सेप्टेंस इशू किया किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट के बिहाफ में, ठीक है, तो और जो कि बैंक एक्सेप्ट करती है, तो वो कहाँ शो करते हैं हम लोग, कंटिजेंट लाइबिलिटी के अंदर शो करते हैं। तो तीन चीज़ मैंने बताया LC, दूसरा मैंने बताया गारंटी और तीसरा मैंने बताया बैंक एक्सेप्टेंस, तो ये तीनों के तीनों हमारे कंटिजेंट लाइबिलिटी के अंदर शो होते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कुछ और भी पार्ट है जैसे क्लेम अगेंस्ट द बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड बाय एस डेब्ट, लाइबिलिटी फॉर पार्टली पेड अप इन्वेस्टमेंट, लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सभी हमारे कंटिजेंट लाइबिलिटी के पार्ट हैं। तो ये था हमारा बैलेंस शीट का पोर्शन। हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है दोस्तों वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बैंक का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का दो कंपोनेंट आएगा, पहला है इनकम, दूसरा है एक्सपेंसेस। इनकम के अंदर हमारा इंटरेस्ट इनकम आएगा और अदर इनकम आएगा, एक्सपेंस के अंदर हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस आएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएगा और प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज आएगा। तो सबसे पहले हम लोग इनकम की बात करते हैं। तो बैंक का जो इनकम है उसको दो पार्ट में क्लासीफाई करते हैं, इंटरेस्ट इनकम एंड अदर इनकम। इंटरेस्ट इनकम को फर्दर क्लासीफाई करते हैं दोस्तों इंटरेस्ट और डिस्काउंट और एडवांस बिल। दोस्तों समझिए, कुछ भी एडवांस है, कोई भी बिल है, उस पर जो भी हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो बैंक के लिए इनकम ही तो है। आप मान लीजिए कि आप बैंक के मैनेजर हैं, आपने एक कस्टमर को लोन दिया, तो कस्टमर आपको इंटरेस्ट देंगे ना, ब्याज देंगे ना, तो वो बैंक के लिए इंटरेस्ट इनकम का ही तो पार्ट होगा। तो दोस्तों इसके अंदर क्या क्या आता है, जो भी इंटरेस्ट आपको मिलेगा या जो भी डिस्काउंट मिलेगा लोन और एडवांस के, जैसे मान लीजिए CC लोन है, डिमांड लोन है, ओवरड्राफ्ट है, टर्म लोन है, एक्सपोर्ट एडवांसेस है। अब दोस्तों जब एक्सपोर्ट एडवांसेस होगा तो वहाँ पे आप बिल डिस्काउंटिंग करवाते हैं, फिर आप जो डोमेस्टिक एंड फॉरेन बिल परचेज और डिस्काउंट करवाते हैं तो वहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलेगा, ओवर ड्यू इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट सब्सिडी मिलता है। तो ये सभी हमारे इंटरेस्ट इनकम के पार्ट हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है इनकम और इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों देखिए, जो भी डिविडेंड है, लाभांश जिसे हम कहते हैं, और जो इंटरेस्ट इनकम है जो आपने इन्वेस्टमेंट करके अर्न किया है, तो वो भी हमारे इनकम और इन्वेस्टमेंट के पार्ट में आते हैं। ठीक है, जैसे बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करती है ना, बैंक जो है और भी फाइनेंशियल प्राइमरी मार्केट में, शेयर मार्केट, आपका सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती है, तो वहाँ से जो इनकम जनरेट हो रहा है दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ इंटरेस्ट इनकम। फिर दोस्तों बैंक जो पैसा RBI के पास रखती है या दूसरे बैंक के साथ रखती है उसमें जो ब्याज मिलता है वो भी हमारा एक इंटरेस्ट इनकम का ही पार्ट है। ठीक है, चाहे कॉल लोन हो, मनी मार्केट प्लेसमेंट हो, ये सभी के सभी। ठीक है, फिर अदर इनकम आ जाइए, तो मैंने बताया ना इंटरेस्ट इनकम का दो पार्ट है, आपका इनकम का दो पार्ट है, एक इंटरेस्ट इनकम अदर इनकम। तो अदर इनकम में क्या आएगा, तो देखिए एक आपका कमीशन एक्सचेंज और ब्रोकरेज आएगा, जैसे DD हो गया, गारंटी हो गया, LC हो गया, तो यहाँ पे कुछ कमीशन बैंक कलेक्ट करती है ना, लॉकर पे रेंट हो गया, ब्रोकरेज हो गया, सिक्योरिटी पे, तो ये सभी के सभी हमारे अदर इनकम के पार्ट होते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों प्रॉफिट और ऑन सेल ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जैसे मान लीजिए कि सिक्योरिटी को सेल कर दिया गया प्रॉफिट या लॉस पे, ठीक है, फिर फर्नीचर को सेल किया गया, लैंड और बिल्डिंग को सेल किया गया, वहाँ जो प्रॉफिट आता है ये भी हमारा इनकम का पार्ट है। कोई किसी इन्वेस्टमेंट का रिवैल्यूएशन किया गया, ठीक है, तो रिवैल्यूएशन करने के बाद जो नेट पोजीशन आता है उसको यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। मान लीजिए कि लॉस हुआ, मान लीजिए कि आपने, तो उसको डिडक्शन में दिखाया जाता है ना, मान लीजिए कि आपने जो इन्वेस्टमेंट था उसको रिवैल्यूएट किया और आपको लॉस आया, दैट इज सोन एज डिडक्शन। इसके अलावा दोस्तों लैंड के सेल पर, बिल्डिंग के सेल पर, अदर एसेट के सेल पर जो प्रॉफिट होता है
उसको यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। एक्सचेंज ट्रांजेक्शन पे जो प्रॉफिट होता है दोस्तों उसको यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो दीज आर पार्ट्स ऑफ आवर इंटरेस्ट अदर इनकम। ठीक है, अदर इनकम का पार्ट है। ठीक है, फिर उसके बाद मिसलेनियस इनकम में क्या आएगा, तो आपको जो भी रिकवरीज आया गोदाम रेंट का, इनकम फ्रॉम बैंक प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी चार्जेज, ये आता है। तो ये था हमारा इनकम का पार्ट। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सपेंस का पार्ट देखते हैं। तो इसको भी आप इंटरेस्ट एक्सपेंस में, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में और प्रोविजन एंड कंटिजेंसी में डिवाइड कर सकते हैं तीन पार्ट में। पहला ये पार्ट, दूसरा ये पार्ट और तीसरा ये पार्ट। आइए दोस्तों इंटरेस्ट एक्सपेंस को देखते हैं। मतलब जो पैसा आपका इंटरेस्ट पे जा रहा है, तो सबसे पहला है तो डिपॉजिट। तो बैंक के कस्टमर का जो भी डिपॉजिट है उस पर बैंक को ब्याज देना पड़ता है। तो ये जो ब्याज है वो एक तरह का बैंक के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा है दोस्तों जो आरबीआई के पास जो पैसा जमा है, या आरबीआई का जो पैसा है, या दूसरे बैंक से आपने जो पैसा लिया है उस पर आपको ब्याज देना पड़ेगा। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। इसके अलावा भी कुछ है, जैसे मान लीजिए कि कुछ बोरोइंग है, कुछ रीफाइनेंस है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, उस पर आपको डिस्काउंट या इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो ये भी हमारे इंटरेस्ट एक्सपेंड के ही पार्ट आते हैं। दूसरा जो पार्ट है दोस्तों वो है ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में क्या आता है दोस्तों, देखिए एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय का पेमेंट, सैलरी, वेजेस, अलाउंसेस प्लस अदर स्टाफ बेनिफिट लाइक प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, फिर लीव, फेयर कंसेशन, स्टाफ वेलफेयर, मेडिकल एंड हाउस रेंट अलाउंस, ये सभी हमारे किसके अंदर आते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आते हैं। फिर रेंट, टैक्सेस एंड लाइटिंग, तो अब बैंक को अपने बिल्डिंग या व्हीकल पे जो रेंट देना पड़ता है, म्यूनसिपल टैक्स देना पड़ता है, ऑल ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है ना, ये भी हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंस पार्ट है। एडवर्टीजमेंट करना पे जो एक्सपेंडिचर आता है वो भी हमारा पार्ट है। फिर बैंक का प्रॉपर्टी पे डेप्रिसिएशन होना, जैसे मान लीजिए मोटर कार हुआ, अदर व्हीकल हुआ, फर्नीचर हुआ, ये सभी के सभी डेप्रिसिएटिंग वाला चीज़ है ना, तो डेप्रिसिएशन जो होता है वो भी एक्सपेंडिचर है। फिर डायरेक्टर का फी होना, कभी ऑडिटर आ जाते हैं उनका फी भरना, कभी लॉ चार्ज करना, लीगल एक्सपेंस होना, ऑल ऑफ दिस आर पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। पोस्टेज चार्ज होना, रिपेयर मेंटेनेंस चार्ज होना, इंश्योरेंस देना पड़ता है DHDC को, ये भी हमारे पार्ट हैं। तो उसके अलावा कुछ दोस्तों अदर एक्सपेंडिचर में आ जाते हैं, लाइसेंस फी, डोनेशन। तो दोस्तों अभी तक आप लोगों ने दो चीज़ समझ लिया कि एसेट के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, लायबिलिटी के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है और एक्सपेंस के अंदर क्या क्या कंपोनेंट है। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं मेन टॉपिक को, जो कि है अपना ALM। ALM का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट। आप थोड़ा सा इसके बारे में मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू देता हूँ दोस्तों। तो देखिए बैंक जो है हमेशा रिस्क से एक्सपोज है। ठीक है, तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन है बैंक का, हुआ ALM, यानी कि आप एसेट और लायबिलिटी को मैनेज करें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, इसको इसके इसका क्या क्यों जरूरी हो गया है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, उसको मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों। देखिए जो भी बैंक का सोर्स ऑफ फंड है या जो भी यूज ऑफ फंड है, उसमें कुछ भी चेंजेस आएगा तो वो बोरोवर्स के प्रोफाइल में रिफ्लेक्ट होगा, इंडस्ट्री के प्रोफाइल में रिफ्लेक्ट होगा और एक्सपोजर लिमिट पर रिफ्लेक्ट होगा, इंटरेस्ट रेट पर चेंज होगा। ठीक है, तो इसीलिए एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट में क्या करते हैं, हम लोग बैलेंस शीट को मैनेज करते हैं। बैलेंस शीट का दो कंपोनेंट मैंने आपको बताया ना, सोर्स ऑफ फंड और यूज ऑफ फंड का, उसको मैनेज करते हैं। ठीक है, ताकि जो भी हमारा इंटरेस्ट रेट का चेंज आए, एक्सचेंज रेट का चेंज आए, क्रेडिट रिस्क का चेंज आए, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर सके, मैनेज कर सकें। और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, प्रॉफिट को गेन करना। तो देखिए ALM का फुल डेफिनेशन पढ़िए, आप प्लान करते हैं, आप एक्वायर करते हैं और डायरेक्ट करते हैं फंड फ्लो को एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ALCO। ALCO का फुल फॉर्म है एसेट लायबिलिटी कमिटी। ठीक है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं और डायरेक्ट कर रहे हैं फंड के फ्लो को। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको स्टेबल अर्निंग होना चाहिए, आपके पास एडिक्वेट और स्टेबल अर्निंग होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, आपके पास स्टेबल अर्निंग होना चाहिए, ये हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है। चलिए, तो RBI गाइडलाइन के अनुसार किसी भी बैंक का जो ALCO होता है उसको हेड कौन करेगा, CMD हेड करेगा, ED हेड करेगा, या बैंक का CEO हेड करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये जो स्ट्रेटजी है जिसमें हम लोग एसेट और लायबिलिटी के कंपोजिशन को मैनेज करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बैलेंस शीट रीस्ट्रक्चरिंग। ये टर्म ध्यान रखिएगा। इस अप्रोच में क्या होता है कि जो बैंक मैनेजर हैं वो एडजस्ट करते हैं अपने पोर्टफोलियो को जो हमारे कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब दोस्तों क्या ऑब्जेक्टिव है इस ALM की, उसको समझते हैं। तो ALM में आप क्या करते हैं दोस्तों, एसेट को और लायबिलिटी को मैनेज करते हैं किसी भी बैंक के बैलेंस शीट का। इस तरह मैनेज करते हैं कि जो भी नेट अर्निंग है इंटरेस्ट से, अभी आपको बताया ना इंटरेस्ट से बहुत सारा अर्निंग है, उसको हम मैक्सिमाइज कर सकें, और जो भी लिक्विडिटी रिस्क है और इंटरेस्ट रेट रिस्क है उसको मिनिमाइज कर सकें। तो क्या मैक्सिमाइज कर रहे हैं,
अपने अर्निंग को मैक्सिमाइज कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और क्या मिनिमाइज कर रहे हैं, रिस्क को मिनिमाइज कर रहे हैं, ये मेन पर्पज़ है। समझ में आया आपको कि आखिर एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट का क्यों क्यों हम लोग करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अपने अर्निंग को मैक्सिमाइज करना है और अपने रिस्क को क्या करना है दोस्तों, मिनिमाइज करना है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों, एक रिस्क कैसे आ सकता, क्यों जरूरी है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, मैं एग्जांपल समझाता हूँ दोस्तों। मान लीजिए कोई एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, उसके पास इनफ एसेट है अपने लायबिलिटी को पे करने के लिए। मान लीजिए कि उसके पास एसेट है 50 करोड़ का, ठीक है, और लायबिलिटी है मान लीजिए है इसका 40 करोड़। तो उसके पास इनफ एसेट है, 50 करोड़ एसेट है अपनी लायबिलिटी को फुलफिल करने के लिए। लेकिन मान लीजिए कि उसके जितने भी लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है, हाँ, तो वो मान लीजिए कि 50% लायबिलिटी जो है, मान लीजिए कि 20 करोड़ का जो लायबिलिटी है अगले एक साल में मैच्योर हो रहा है। समझ रहे हैं, 40 करोड़ में से 20 करोड़ जो लायबिलिटी है वो अगले एक साल में मैच्योर हो रहा है, लेकिन ये जो एसेट है वो 10 साल में मैच्योर होगा, 10% ही मैच्योर होगा एक साल में। आप बताइए क्या होगा, आप खुद सोचिए ना, 50 करोड़ का 10% कितना होगा, 5 करोड़। यानी कि समझिए उसके पास, उसको उसके पास जो है लायबिलिटी बचा रह जाएगा 20 करोड़, और यहाँ पे एसेट एसेट कितना है, 45 करोड़। तो यहाँ पे मिसमैच हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो जबकि इसके पास इनफ एसेट था, लेकिन अब वो क्या हो जाएगा, टेम्पोरली वो तो इंसॉल्वेंट हो जाएगा ना, टेम्पोरली तो वो दिवालिया हो जाएगा, क्योंकि उसको एक ऐसा रिस्क आ जाएगा, उसको लिक्विडिटी रिस्क आ जाएगा। इसे ही कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क, क्योंकि इस समय पता है क्या होगा, इस समय बैंक के पास पैसा नहीं होगा लोन देने के लिए, क्योंकि उसके पास जितना भी, क्योंकि उसको जो भी पैसा है वो अपने डिपोजिटर को देना पड़ जाएगा, जो कि एक साल के अंतर्गत, ठीक है। तो ही विल नॉट हैव, दिस बैंक विल नॉट हैव सफिशियंट लिक्विडिटी, एंड देन दस इट विल फेस लिक्विडिटी रिस्क। आपको एक सिंपल सा केस मैंने आपको बताया है, तो इस लिक्विडिटी रिस्क को कैसे हम अवॉइड करेंगे, तो यहाँ पे एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट काम आता है। यानी ALM क्या करता है दोस्तों, इस एसेट को और इस लायबिलिटी को मैच करता है, ताकि लिक्विडिटी रिस्क को या मार्केट रिस्क को मिनिमाइज कर सके। तो दोस्तों आपसे यदि क्वेश्चन कोई पूछे कि बताइए ALM से हम किस किस रिस्क को अवॉइड कर सकते हैं, तो आप बोलिएगा पहला तो लिक्विडिटी रिस्क अवॉइड करेंगे, और दूसरा इंटरेस्ट रेट रिस्क को अवॉइड करेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको समझा दिया। चलिए, तो ये आपको ध्यान रखना है, आपको ये इंश्योर करना है कि आपके पास जितना भी लायबिलिटी है उसके कॉरस्पॉन्डिंग इक्वलेंट 10 ईयर का अमाउंट मैचिंग एसेट होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, ठीक है। यदि आप ऐसा कर पा रहे हैं तो आप समझिए कि ALM को परफेक्टली समझ पा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इंटरेस्ट, आप पूछेंगे इंटरेस्ट रेट रिस्क से कैसे एक्सपोज है, एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, मान लीजिए कि एसेट है आपका 50 करोड़ का, ठीक है, एग्जांपल, और लायबिलिटी भी है, ये एसेट है और लायबिलिटी भी 50 करोड़ का, सेम मैच्योरिटी, मान लीजिए ये भी 2 साल में मैच्योर हो रहा है, ये भी 2 साल में मैच्योर हो रहा है। देखिए अमाउंट भी बराबर है, मैच्योरिटी भी बराबर है, लेकिन दोस्तों इंटरेस्ट रेट तो चेंज होते रहता है ना, इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट होगा इस पीरियड में। तो हो सकता है कि जो हमारा एसेट से इंटरेस्ट इनकम आ रहा है, ठीक है, एसेट्स को, एसेट से हमारा इंटरेस्ट इनकम ही तो आता है, ठीक है, और हो सकता है कि लायबिलिटी पे जो हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है उसमें मिसमैच आ जाए, ठीक है। तो जो इंटरेस्ट मार्जिन है, अभी मैं आपको बताऊंगा, मार्जिन मतलब इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही मार्जिन बोलते हैं। तो ये मार्जिन बढ़ भी सकता है, मार्जिन घट भी सकता है, और आप खुद बताइए ना दोस्तों, यदि ये मार्जिन बढ़ जाएगा, मान लीजिए कि आपको जो इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है कस्टमर को, तो ये मार्जिन बढ़ जाएगा, और मार्जिन घटेगा कब, जब आपका, जब आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। तो मार्जिन बढ़ेगा दोस्तों तो आपका क्या होगा, आपका प्रॉफिट भी तो घटेगा, और मार्जिन घटेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क भी से भी एक्सपोज है बैंक, तो दोनों रिस्क है, लिक्विडिटी रिस्क भी है और इंटरेस्ट रेट रिस्क भी है, दोनों चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये बैंकों को मैंडेटरी कर दिया गया अपने ALM को मैनेज करना ही करना है। ये कब आया, RBI का गाइडलाइन आया अप्रैल 1, 1999 से। तो दोस्तों आप यहाँ से समझ चुके हैं कि ALM का दो ऑब्जेक्टिव क्या है, पहला ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना, और ये इंश्योर करना कि जो लिक्विडिटी है बैंक का वो मिसमैच करे, मिनिमाइज करना है ना, मिसमैच को मिनिमाइज करना। और दूसरा दोस्तों आपको ये पता है कि जो भी एसेट हमारे मैच्योर हो रहे हैं वहाँ से हमें फंड आ रहा है, और जो भी मैच्योरिटी हमारे जो भी लायबिलिटी हमारे मैच्योर हो रहे हैं वहाँ को फंड, ऑब्वियसली बात है, आप मान लीजिए कोई FD है, FD मैच्योरिटी के समय पे आ गया तो बैंक को पैसा देना पड़ता है ना, तो आउटफ्लो हो गया। और दोस्तों कोई लोन है, लोन मैच्योर हो रहा है तो कस्टमर से बैंक को पैसा मिलेगा, तो वो इनफ्लो ऑफ फंड है। तो इनफ्लो ऑफ फंड का मतलब मैच्योरिंग एसेट, और एक्सफ्लो आउटफ्लो ऑफ फंड मतलब मैच्योरिटिंग लायबिलिटी। तो ये चीज़ आपको क्लियर रखना चाहिए, ये कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है दोस्तों। चलिए इसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि
क्या जरूरी है, क्या रीजन है आज के समय में एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के ग्रोइंग सिग्निफिकेंस का? तो दोस्तों सबसे पहला रीजन है वोलेटिलिटी। ठीक है, जब से हमारा फाइनेंशियल सिस्टम डीरेगुलेट हुआ है, जब से इंटरेस्ट रेट वोलेटाइल है, जब से प्राइस लेवल वोलेटाइल है, आज के समय पे ये काफ़ी आवश्यकता है ALM का। ठीक है, तो आप खुद सोचिए ना कि यदि मान लीजिए कि जो हमारा इंटरेस्ट रेट है वो फ्लक्चुएट करेगा, इस कारण से क्या होगा, बैंक का मार्केट वैल्यू भी चेंज होगा, और इस कारण से जो NII है, NII क्या होता है, नेट इंटरेस्ट इनकम, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, वो इफेक्ट होता है। दोस्तों इनोवेशन आ रहा है मार्केट में कंटिन्यूअसली, जैसे कि एग्जांपल में आप ले लीजिए फ्लेक्सी डिपॉजिट फैसिलिटी की बात कर लीजिए, तो फ्लेक्सी डिपॉजिट फैसिलिटी एक तरह का इनोवेशन है। तो बैंक को क्या करना है कि जो भी इनोवेटिव प्रोडक्ट आ रहा है उसको उसको यू उसको अप्लाई करना है, उसको अपने प्रोडक्ट में शामिल करना है दोस्तों। तो तीसरा है हमारा रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है BIS है इंटरनेशनल लेवल पे, और हर एक कंट्री का अपना सेंट्रल बैंक है, RBI के रूप में भारत में है ना, तो ये हमेशा गाइडलाइन को इशू करता रहता है। ठीक है, कि अपने एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट पॉलिसी को डेवलप करूँ। और चौथा है दोस्तों टॉप मैनेजमेंट में अवेयरनेस बढ़ रहा है ना, तो ये सब कारण है ये सभी कुछ रीजंस हैं जिनके कारण एसेट लायबिलिटी का सिग्निफिकेंस आज के डेट में बढ़ रहा है। अब ये प्रश्न उठता है ALM तो हम समझ लिए, ALM का क्या ऑब्जेक्टिव है इसको भी समझ लिए हम, आखिर ALM को मीजर कैसे करें, हमारे पास क्या पैरामीटर है जिसके थ्रू हम लोग ALM को मीजर कर सकें, हम कैसे कहें कि हमारे पास जो ALM है वो सफिशियंट है या नहीं है? तो दोस्तों इसके लिए RBI ने एक पैरामीटर सजेस्ट किया है, तीन पैरामीटर सजेस्ट किया है जो कि ALM के मैनेजमेंट के इफेक्टिवनेस को इफेक्ट करता है और जो कि प्रॉफिटेबिलिटी को दर्शाता है। तो पहला पैरामीटर है NII, नेट इंटरेस्ट इनकम। दोस्तों नाम में ही लिखा हुआ है इसका मतलब, नेट इंटरेस्ट इनकम। आप इंटरेस्ट इनकम समझते हैं ना? ठीक है, बैंक को क्या करना पड़ता है, जो भी कस्टमर है जिनका डिपॉजिट उनके पास है बैंक में, उसे उसके ब्याज देना पड़ता है, और जो भी लोन जहाँ से मिलता है उसे वहाँ पे ब्याज उसे मिलता है। तो दोस्तों एक है हमारा इंटरेस्ट इनकम और एक है हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंस, इसके बीच का जो गैप होता है वही होता है हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम। अब आप खुद बताइए दोस्तों, बैंक को यदि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट को स्टेबलाइज करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस NII को कम करना पड़ेगा, है ना। जितना कम होगा NII उतना ही ज़्यादा आपका शॉर्ट टर्म प्रॉफिट स्टेबलाइज होगा, ये चीज़ क्लियर हो गया। तो ALM आप कैसे समझेंगे कि आपका एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट प्रॉफिट प्रॉफिटेबल है कि नहीं, जितना कम से कम NII हो आपका। ठीक है, दूसरा जो पैरामीटर RBI ने लागू किया है वो NIM, NIM होता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। दोस्तों नेट इंटरेस्ट मार्जिन क्या है, तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में आपको NII को नोमिनेटर में लिख देना है और डिनोमिनेटर में लिख देना है एवरेज टोटल एसेट, एवरेज टोटल एसेट ये आपको कहाँ लिख देना है, डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो NII डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल एसेट इंटू 100, इसको हम लोग स्प्रेड भी कहते हैं, और इसको परसेंटेज के टर्म में दिखाया जाता है। तो याद रखिएगा NIM को परसेंटेज के टर्म में दिखाया जाता है और इट इज ऑल्सो नोन एज स्प्रेड। तो जितना ज़्यादा स्प्रेड होगा उतना ही ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होगा, तो दिस इज कॉल्ड NIM। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एक और पॉइंट है, आप ये पूछेंगे कि एवरेज टोटल एसेट कैसे निकाला जाए, तो उसके लिए क्या करना है आपको कि जो भी किसी कंपनी का बैलेंस शीट में जो भी अमाउंट ऑफ एसेट रिकॉर्ड किया गया है किसी करंट ईयर के एंड में और प्रिसीडिंग ईयर के एंड में, इसका प्लस करके बाई टू, समझिए बात को। मान लीजिए कि अभी चल रहा है 2022, ठीक है, तो करंट ईयर के एंड में मतलब 2022 के अंतिम में यानी कि दिसंबर 2022 में जो भी उसका एवरेज एग्रीगेट एसेट था, और 2021 के दिसंबर में जो भी एग्रीगेट एसेट था, इन दोनों को ले लीजिए, इन दोनों का एवरेज निकाल लीजिए, वही आपका डिनोमिनेटर में होगा एवरेज टोटल एसेट। ठीक है, तो ये होता है NIM हमारा। तीसरा जो पैरामीटर डाला गया है वो है इकोनॉमिक इक्विटी रेशियो। इसमें क्या होता है दोस्तों, शेयर होल्डर के फंड को आप नोमिनेटर में लिखते हैं और टोटल एसेट को आप डिनोमिनेटर में लिखते हैं। ठीक है, और ये किसी बैंक का सस्टेनेंस कैपेसिटी बताता है। उसके अलावा दोस्तों ALM का दो ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया दिया, प्राइस मैचिंग करना। ठीक है, आप प्राइस मैचिंग से क्या करते हैं, अपने स्प्रेड को मेंटेन करते हैं। स्प्रेड मतलब आप समझे ना, हम NII की बात कर NIM की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप ये इंश्योर करते हैं कि जो भी आपका लाइबिलिटीज है उसको आप प्रॉपरली डिप्लॉय कर रहे हैं। ठीक है, और इससे आप ये इंश्योर करते हैं कि आपका गैप पॉजिटिव है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ गैप, गैप पॉजिटिव होने का मतलब ये हुआ कि आपका एसेट जो है वो लाइबिलिटी से ज़्यादा है, यही आपका पॉजिटिव गैप का मतलब हुआ। ठीक है, और देखिए दो चीज़ समझिए, जब आपका गैप पॉजिटिव होगा ना, तो दोस्तों यदि गैप पॉजिटिव होगा तो इंटरेस्ट रेट यदि बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट मिलेगा, और यदि गैप नेगेटिव होगा, समझिए इस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ, गैप यदि आपका पॉजिटिव होगा और आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ेगा तो उस केस में आपको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा।
और यदि गैप आपका नेगेटिव है, जब गैप नेगेटिव है इसका मतलब ये हुआ कि आपका लायबिलिटी जो है वो एसेट से ज़्यादा है, तभी गैप नेगेटिव होता है। तो गैप नेगेटिव होगा उस केस में यदि इंटरेस्ट रेट घटेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, समझ में। तो ये चीज़ है, तो प्राइस को मैच करना ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हमारा एएलएम का, और लिक्विडिटी को इंश्योर करना, ठीक है। तो ये एक दूसरा ऑब्जेक्टिव है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इसमें हम लोगों ने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे एसेट के, लायबिलिटी के, एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के, हम लोगों ने डिस्कस किया। उम्मीद है दोस्तों आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यदि आपके कोई सुझाव है तो निश्चित रूप से आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसे इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों लेसन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे और लोगों तक पहुँचाइए। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।